Press the red subscribe button to be a part of our channel and press the bell icon for the latest new videos notification. तो यार जब गूगल ने हुआवे को बैन कर दिया कि वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज कर सकते तो सभी लोगों का इसी बात के ऊपर फोकस था कि अब हुआवे दोबारा से किस तरह से कोऑपरेट करता है, किस तरह से कन्विंस करता है गूगल को कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका वो दोबारा से यूज कर पाए, मतलब कि जो भी एंड्रॉयड चलता है हुआवे के फोन्स के अंदर वो किस तरह से दोबारा यूज कर पाएंगे। लेकिन जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये सब बातें क्लियर हो गई हैं कि हुआवे ने कभी भी नहीं चाहा कि गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो दोबारा से वो यूज करें जब उनके ऊपर बैन लगा। ये क्यों हुआ और किस तरह से हुआवे ने मूव किया है और काफी ज्यादा अच्छी न्यूज भी आ रही है हुआवे की तरफ से, उसी के बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप भी हुआवे यूजर्स हैं और हुआवे के रिलेटेड जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हमाद है और उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक बेल का आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जो हुआवे का होंगमेंग ओएस है वो काफ़ी हद तक बन चुका है और रेडी भी हो चुका है और जल्दी हुआवे उसे जो है वो लॉन्च भी कर देगा और ये जो जिस सोर्स से ये न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। और अभी आप यही समझ सकते हैं कि ये जो हुआवे का होंगमेंग ओएस है वो जल्दी लॉन्च कर देगा हुआवे, क्योंकि ये जो न्यूज़ आ रही है वो GSM मरीना की तरफ से आ रही है। उनका ये कहना है कि हुआवे ने 1 मिलियन यूनिट्स मतलब कि 1 मिलियन मोबाइल ऐसे रेडी कर लिए हैं जिनके अंदर उन्होंने अपना ओएस होंगमेंग इंस्टॉल कर दिया है, मतलब कि ऐसे मोबाइल्स उन्होंने 10 लाख ऐसे मोबाइल जिनके अंदर उनका होंगमेंग ओएस है। लेकिन अभी ये इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वो मोबाइल यूज के लिए हैं, वो मार्केट के अंदर आएंगे वो या वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं। और इसकी जो लॉन्च डेट है वो ये कहा जा रहा है कि एक न्यूज और आई है जहां वी चैट के अंदर जो के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं आईटी वगैरह के, उनका एक ग्रुप था और उनके अंदर जो है हुआवे के CEO भी ऐड थे। उन्होंने ये कहा है कि जो उनका ओएस वगैरह है वो कब तक लॉन्च हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि इस ईयर के फॉल तक, मतलब कि जब उनका Mate 30 Pro उनका एक फ्लैगशिप फोन आता है Mate 30 Pro वो आएगा अक्टूबर या अगस्त के अंदर, तो उसके साथ ही होंगमेंग ओएस आ सकता है या तो वो नेक्स्ट ईयर जब स्प्रिंग का मौसम होगा, मतलब कि जब उनकी पी सीरीज आती है P40 वगैरह आएगा जो अगले साल P40 Pro उसके अंदर जो ओएस होंगमेंग है वो आ जाएगा। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो उनका न्यू ओएस है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया है, उसको इम्प्रूव किया गया है और उसके अंदर सारी की सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज हो सकती हैं। उसके अलावा हुआवे को आप पता है सिर्फ वो मोबाइल नहीं बनाते, काफ़ी ज़्यादा दूसरी डिवाइसेज बनाते हैं, लैपटॉप वगैरह टैबलेट वगैरह, तो उसके अंदर भी हुआवे को ये ओएस होंगमेंग इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो डिवाइसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी बड़े स्केल्स के ऊपर वो काम करते हैं, इसीलिए जो ओएस होंगमेंग है उन्हें वो सभी डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये एक न्यूज़ है जो कि काफ़ी एक कंफर्म न्यूज़ हो चुकी है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो हुआवे ने वो Fork OS यूज़ किया है जो कि गूगल का एक फ्री लाइसेंस जो कि OS होता है जो कि कोई भी उठा के यूज़ कर सकता है बिना परमिशन के, और जो पहले OS जो यूज़ कर रहा था हुआवे वो उनका एंड्रॉयड का मतलब कि गूगल वालों का एक पेड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये जो Fork OS है या आप ओपन लाइसेंस सॉफ्टवेयर इसे कह सकते हैं तो ये फ्री होता है, ये कोई भी उठाकर अपनी उसके ऊपर स्किन पॉलिश करके कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी गूगल प्ले प्रोटेक्शन वगैरह नहीं होती और ये जो ओएस है वो काफ़ी जल्दी हैक भी हो सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर सारी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन सपोर्ट है जो हुआवे का ओएस होंगमेंग है, तो हो सकता है कि जो हुआवे ने उनका Fork OS यूज़ किया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुआवे अभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उन्हें काफ़ी सिक्योरिटी के रिस्क हैं और वो दोबारा से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा, गूगल की तरफ से कोई भी कॉपरेट करने की ट्राई नहीं करेगा, वो इस एंड्रॉयड सिस्टम से पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा और अपना एक iOS की तरह OS होंगमेंग को इंस्टॉल कर लेगा और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हो जाएगा। और उसके अलावा जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है ओप्पो वीवो वगैरह, और हो सकता है कि वो भी फ्यूचर के अंदर क्या करें कि जो गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम है उसे छोड़कर अपना जो हुआवे का OS होंगमेंग है, क्योंकि पता है आपको भी हुआवे सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है, तो हुआवे का OS होंगमेंग ही यूज़ करने लग जाए अपने मोबाइल के अंदर ओप्पो वीवो वाले। और ये जो न्यूज़ आ रही है कि 1 मिलियन से जो यूनिट बना लिए हैं, तो मुझे यही लगता है कि इतने ज़्यादा यूनिट्स जो है वो यूज़ के लिए बनाए होंगे हुआवे ने, मतलब कि इतने ज़्यादा यूनिट्स वो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बना सकते, तो अभी देखना ये होगा कि कब तक उनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लॉन्च हो जाता है। तो ये आज की न्यूज़ थी, उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।